हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए लेकर आए हैं, जो कि ये वीडियो आप सभी को बताना चाहेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का सुबह कैसा होगा और किस प्रकार से धन संपत्ति में वृद्धि के साथ भूमि मकान की प्राप्ति होंगी। बहुत सारी चीज़ों से आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकेगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको लाभ मिल सकेगा। माता रानी की कृपा आप सभी को आज के दिन मिल सकते हैं। बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी खास योजनाएं बनना शुरू हो चली जाएंगी। आप सभी के लिए दैनिक आय में इजाफा हो सकता है, तो बहुत सारे कार्य आपके सुचारू रूप से चलते रह सकते हैं। जो कार्य आपके जीव बहुत दिनों से रुके हुए थे, आज उस कार्य में आपको गति देखने को किस प्रकार से मिलेगी। आज के लिए अनुकूल परिणाम आपको कैसे मिलेगा और कैसे आपको आज के दिन लाभ मिलेगा। बहुत सारी खुशियां आप सभी को कैसे आज के दिन मिलने वाली हैं, आज आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपका व्यापार व्यवसाय कैरियर लाइफ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जो कि आज के दिन आप सभी को बताएंगे कि आज के दिन कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कौन सब बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए आज के दिन का लकी नंबर लकी कलर क्या हो सकता है, आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आपके लिए शुभ हो सकता है और बेहतर निकट भविष्य में आ सकता है। आपको बताएंगे इस वीडियो में आपको कौन सब महत्वपूर्ण कामकाजों को अंतिम रूप तक देना होगा और किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है। आपकी आर्थिक तंगियां भी किस प्रकार से खत्म हो सकती हैं, तो किस प्रकार से विशेष बड़े खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं आपको बताएंगे सुबह में। आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में सुबह को पूरा से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से बड़ा ही सुधार देखने को मिल सकता है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आज आप सभी को कह देते हैं, घर में मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेंगे, शॉपिंग जैसी गतिविधियों में व्यवस्थाएं रहेंगी। अगर कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए उचित मेहनत करना होगा, सफलता तो निश्चित ही मिलेंगे। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के प्रति उचित ध्यान केंद्रित रहेगा। मन में किसी भी नकारात्मक बात को लेकर बेहद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति कुछ डावाडोल रहेंगे। समस्याओं का तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। टोने टोटके जैसी क्रियाकलापों से दूर हैं। घरेलू परेशानी को बिजनेस अभी ना होने दें। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा। घर के किसी बड़े व्यक्ति की राय आपके लिए भाग्य का दायक हो रास्ता खोलेंगे। सरकारी सेवारत लोगों को ट्रांसफर से संबंधित योग और सूचनाएं मिल सकती हैं। घर तथा व्यवसाय में उचित समझना को बना रह सकता है, परंतु किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन पर ना होने दें। आपको स्वास्थ्य हल्का रहेगा, हल्के फुल्के खांसी जुकाम की समस्या रहेंगे। आज के दिन तय की गई बातें आसानी से पूरी होंगे। आपके मनोबल को आज के दिन बना रहेगा, जिसकी वजह से आप कई सारी बातों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में आपको बदलाव क्या लाना है उसकी शुरुआत करने के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। सेहत और करियर दोनों पर आपको ध्यान देना होगा, आपके लिए आवश्यक होगा। पास अगर जो नुकसान भूतकाल में हुआ था उसे दूर करने का अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। पार्टनर्स की भावनाओं को आदर और कदर करना सीखें। जीवन साथी तथा खान पान पर आपको ध्यान की आवश्यकताएं होंगे। जीवन शैली बेहतर करना होगा, शारीरिक तकलीफों को दूर करना होगा। बहुत बड़े लाभकारी योजनाएं बनाना होगा। घर में मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बन सकती हैं। आज आप सभी के जीवन में खुशी का लहरें दौड़ सकती हैं। लंबे समय से चली आ रही किसी भी प्रकार की चिंताओं का समाधान मिल सकेगा। आर्थिक मामलों को निपटाने के लिए आज का दिन बेहतर हो सकेगा। विशेष लोगों के साथ लाभदायक संपर्क बन सकते हैं। आपके विचार शैली में नयापन आ सकता है, परंतु ध्यान ये रखना है, आपको कोई संकाली स्वभाव आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले हर एक पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार जरूर करें। आज किसी भी प्रकार के
नकारात्मक गतिविधियों को दूर रखें। आज आप व्यवसाय संबंध किसी भी तरह के गतिविधियों में निवेश न करें। इस समय आपको आपसे कुछ गलतियां भी होंगी, आपस में सहयोगों के साथ वाद विवाद से दूर होंगे, अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। घर में मधुरताएं बढ़ाए रखने के लिए मनोरंजन से संबंधित योजनाएं बन सकती हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं को मुलाकात के अवसर मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। नकारात्मक वातावरण से दूर रहना ठीक होगा। नई बातों को सीखने का जज्बा आज आपका जागृत होगा। आपके अंदर के बढ़ते हुए विश्वास को देखकर लोग भी आपसे प्रेरित होंगे। आज आपको खुद के जीवन से संबंध आपको दूसरों के तकलीफों को दूर करना महत्वपूर्ण लग सकता है। किसी सामाजिक कार्य को बड़े तौर पर आप हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप एनजीओ की स्थापना करके सामाजिक काम को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे अवसर भी आपको पहचान के लोगों के द्वारा प्राप्त होने वाली है। जिन बातों को पार्टनर समझ नहीं पाते हैं उन बातों की जिम्मेदारियां आज आपको उठानी पड़ेंगी। पार्टनर्स को तुरंत गैर जिम्मेदार न ठहराएं। गले की खराश, सर्दी की तकलीफ आज आप सभी को होंगे। आज के दिन आपको लंबे समय से चली आ रही अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत कर सकते हैं, मेहनत के द्वारा कर सकते हैं। ये संपर्क आपके लिए उन्नति के नए नए मार्ग खोलेंगे। आपकी सूझबूझ द्वारा लिए गए निर्णय संक्रात्मक और आर्थिक रूप से आपको आज के दिन मजबूत बनाए रखेंगे, सक्षम रखेंगे। भावनाओं में बैठकर किसी की मदद करने से पहले अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि किसी की मदद का उतने ही करने होंगे जिसके चलते यह परेशानी को कारण खड़ी हो जाए। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से आपकी योजनाओं को शेयर न करें। व्यवसाय में किसी और गलती का खामियाजा आपको भुगतान करना पड़ेगा। बेहतर यह होगा सभी काम अपने उपस्थिति में करवाना होगा। कभी कभी लापरवाही आपके लक्ष्य से भटका सकती है। वैवाहिक जीवन भी आपका मधुर रह सकता है। आपके विपरीत लिंगी मित्र के दोस्त प्रेम संबंधों में परिगणित हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखेंगे। खास तौर से महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज रहेंगे। जिन बातों में आपको प्रगति नजर नहीं आती है उन बातों का अवलोकन किया जाएगा। आज के दिन और भूतकाल में किस प्रकार से प्रगति की थी आज वह भी आज शामिल होगा। बहुत सारी चीज़ों से खुशियां आपको घेरे रखेंगी। अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत करने होंगे। आज तक आपके लिए बेहतर होगा। अपने सकारात्मक रवैया आपके विश्वास को आत्मबल को अधिक से अधिक बढ़ाए रखेगा। अपने कार्य के प्रति मन लगा कर रहेगा। सकारात्मक प्रति के लोगों से मेल मुलाकात भी आपकी उन्नति में सहायक रहेगा। आज के दिन परंतु जोश में आकर अपने ऊपर ज़्यादा कार्यभार न ले, वरना आप खुद की ही परेशानी में फंस सकते हैं। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ समस्याएं और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। घर में चिंताएं जनक स्थितियां वातावरण रह सकती हैं। ग्रह स्थिति प्रवणताएं आपको पक्ष में हो सकते हैं। उन्नति के नए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। उचित समय का निर्णय लेने का प्रयास करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपनी फाइलें डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंध में परिवर्तनताएं आएंगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको दिन शुभ हो, मंगलकारी होंगे बेहतर।